हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर एमडी में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा 5 रुपये कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों का पास भी हो सकता है ये सब 5 रुपये का कॉइन्स। तो दोस्तों, ये देखिए, तो दोस्तों ऐसा जो निखिल ब्रास का 5 रुपये का कॉइन्स है, ये देखिए, तो ऐसा कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो जानिए ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में क्या है। तो बात करेंगे इस कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 5 रुपये का कॉइन्स है, ये दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 5 रुपये का कॉइन्स है, ये देखिए। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो जानिए ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में क्या है। तो दोस्तों, इस कॉइन्स को डाला गया था 2010 में। इसे सिर्फ भारत का एक ही मिंट से डाला गया था, वह है दोस्तों बॉम्बे मिंट। ये देखिए, यर्स के नीचे में एक डायमंड है, तो ये दोस्तों बॉम्बे मिंट का कॉइन्स है। गौर से देखिए, तो दोस्तों ये सिंगल मिंट कॉइन है, सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही इस कॉइन्स को डाला गया है। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का मेटल की बात करें तो ये दोस्तों निकिल ब्रास मेटल है, वेट है 6 ग्राम, साइज है 23 mm, शेप है सर्कुलर। ये कॉइन्स का ओवर साइड, ये दोस्तों रिवर्स साइड। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो ये आपको दिला सकता है 5 रुपया से 10 रुपया तक, क्योंकि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थीम पे ये कॉइन्स बॉम्बे मिंट से करोड़ों मात्रा में छपा गया था। इसलिए दोस्तों ये जो कॉइन्स है, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। कोई कोई यूट्यूबर इस कॉइन्स का प्राइस लाखों में बोलते हैं, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल कॉइन्स है। इस कंडीशन में इस कॉइन्स का प्राइस 5 रुपये ही मिलेगा। अगर ये UNC कंडीशन हुआ तो आपको ये 10 रुपये तक या 20 रुपये तक मिल सकता है। ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। और दोस्तों, ऐसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े जो इस कॉइन्स का भी लाखों या करोड़ों में प्राइस बोलते हैं। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये देखिए। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स भी आप लोगों का पास भी है तो जानिए इस कॉइन्स का प्राइस आज की डेट में क्या है। तो दोस्तों, इस कॉइन्स को भारत का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। जो ये जो मेरा हाथ पर कॉइन्स है, ये दोस्तों बॉम्बे मिंट का कॉइन्स है। और दोस्तों, बॉम्बे मिंट का कॉइन जो है, ये दोस्तों करोड़ों मात्रा में छपा गया था। तो बॉम्बे मिंट कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल होता है। तो बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 50 रुपीज़। और दोस्तों, कलकत्ता मिंट का जो कॉइन्स है, कलकत्ता मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 70 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 70 रुपीज़। और दोस्तों, हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, तो हैदराबाद मिंट का प्राइस है 10 रुपये से 100 रुपये तक, फाइन कंडीशन 10 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 100 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का प्राइस है। तो ये सारा कॉइन्स भी दोस्तों नॉर्मली होता है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये मादा त्रिजे का कॉइन्स, ये देखिए। तो दोस्तों, इस कॉइन्स को डाला गया था 2010 में। इसे भारत का 4 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट या हैदराबाद मिंट, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। और तीनों मिंट कॉइन्स का प्राइस है दोस्तों 10 से 50 रुपये तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 50 रुपीज़। तीनों मिंट कॉइन्स का प्राइस है बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अगर दोस्तों आप लोगों का पास नोएडा मिंट है तो ये दोस्तों आपको दिला सकता है 20 रुपये से 100 रुपये तक, फाइन कंडीशन में 20 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 100 रुपीज़ नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है। ये भी दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 5 रुपये का कॉइन्स, ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को भारत का 4 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, इस कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है दोस्तों, ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है, 10 रुपया से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 50 रुपीज़। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स का प्राइस है। अगर दोस्तों ये आप लोगों का पास नोएडा मिंट का है तो ये दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा है प्राइस, 20 रुपये से 100 रुपये तक, फाइन कंडीशन में 20 रुपीज़ और UNC कंडीशन में 100 रुपीज़ नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस है। ये भी दोस्तों एक नॉर्मल कॉइन्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है ये देखिए। तो इस कॉइन्स को डाला गया था 2009 में। इसे भारत का 3 मिंट से डाला गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से। तो अगर आप लोगों का पास भी ऐसा कॉइन्स है
तो जानिए इस कॉइन्स का रियल प्राइस क्या है। तो दोस्तों बॉम्बे मिंट का जो कॉइन्स है, बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपीज़। और दोस्तों कलकत्ता मिंट का जो कॉइन्स है ये भी दोस्तों सेम है 10 से 50 रुपया। और दोस्तों हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 20 रुपया से 100 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 20 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीज़ हैदराबाद मिंट का प्राइस है। तो दोस्तों ये भी एक नॉर्मल कॉइन्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉइन्स है ये देखिए, ये है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 5 रुपये का कॉइन्स। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास भी है तो जानिए इस कॉइन्स का क्या है प्राइस। तो दोस्तों इस कॉइन्स को भारत का चारों मिंट से डाला गया था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। प्राइस की बात करें तो बॉम्बे मिंट का जो कॉइन्स है दोस्तों, बॉम्बे मिंट कॉइन्स का प्राइस है 10 से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन 10 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन 50 रुपीज़। और दोस्तों कलकत्ता मिंट का भी सेम है 10 से 50 रुपया। और दोस्तों हैदराबाद मिंट का जो कॉइन्स है, हैदराबाद मिंट का दोस्तों 10 से 70 रुपया तक। और दोस्तों नोएडा मिंट का जो कॉइन्स है, नोएडा मिंट कॉइन्स का प्राइस यूएनसी कंडीशन में 100 रुपीज़ तक है। ये भी दोस्तों एक नॉर्मल कॉइन्स है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉइन्स है ये देखिए। तो दोस्तों ये जो कॉइन्स है, इस कॉइन्स को लेकर कितने आदमी अभी तक बुर्बक भी हो चुके हैं कि इस कॉइन्स का प्राइस लाखों में है। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों ये है माता वैष्णो देवी का 5 रुपये का कॉइन्स। ये देखिए आदमी अभी भी यही सोच के बैठा हुआ है कि ये कॉइन्स काफ़ी महंगा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो कॉइन्स है ये कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल है। तो मेरे हाथ पर जो कॉइन्स है ये दोस्तों फाइन कंडीशन का कॉइन्स है। इस कंडीशन में इस कॉइन्स का प्राइस 5 रुपये का वैल्यू 5 रुपये ही है। तो इससे फ्रॉड यूट्यूबर से बच्चे जो ऐसे नॉर्मल कॉइन्स का भी दोस्तों लाखों का प्राइस बोलते हैं। ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है। अगर दोस्तों ये यूएनसी कंडीशन हुआ तो ये कोई आपको 20 रुपये तक ही दे सकता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में इस कॉइन्स का प्राइस 5 रुपये ही है। ये दोस्तों नॉर्मल कॉइन्स है, हज़ारों करोड़ों मात्रा में ऐसे वाला 5 रुपये कॉइन्स डाला गया था। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को नोट एंड कॉइन्स के बारे में सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।